सभी साथियों को जय साल। साथियों आज 31 मार्च है और कल जो है 1 अप्रैल है। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, कैसा रहा बाजार, आज के भाव कैसे रहे, चर्चा अपन लोग जो है इसके ऊपर साथियों करते हैं, तो वही चर्चा करेंगे साथियों। उससे पहले आप सबको, हालांकि आज मैं लेट हो गया, रामनवमी का कल त्यौहार था, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं साथियों, क्योंकि कल जो है अपने लाइव नहीं कर पाए थे, कल किसी मैं जरूरी काम में साथियों बिजी था, तो आपको बिलेटेड रामनवमी के त्यौहार की जो है बहुत बहुत हार्दिक। इस मार्च है साथियों, बहुत बड़ी तारीख, कल बिजी इसीलिए था साथियों क्योंकि चालान पेश करने होते हैं, जो रेवेन्यू जो मामला किसान भाइयों से जो है इकट्ठा किए होता है साथियों, उसको जमा करवाना होता है। कल भी बिजी थे, आज भी बिजी थे और शायद दो दिन अभी और बिजी रहेंगे साथियों, लेकिन माफी चाहूंगा साथियों बीच में जो व्यवधान हुआ उसको लेकर। लेकिन आज सरसों के भाव कैसे रहे, कॉटन के भाव कैसे रहे और कैसे रहे ग्वार के भाव, चर्चा इस सब के ऊपर जो है अपने साथियों करेंगे आज। उससे पहले आप सबसे निवेदन कि एक एक शेयर का बटन सारे साथी जो है वीडियो को साथियों दबा दें। कल 1 अप्रैल है और कल आपके भाई का जन्मदिन भी है, तो भाई सारे साथी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद ऐसा दो, सिर्फ यही आशीर्वाद देना साथियों कि किसानी के लिए और किसानों के लिए लड़ता रहूं और इस लड़ाई में मैं कामयाब रहूं साथियों। तो पुनः आप सबसे निवेदन साथियों, एक एक शेयर का बटन जरूर दबाना साथियों, कल भी लाइव मिलेंगे अगर भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे साथियों। तो चर्चा करते हैं साथियों सरसों गवार और कॉटन के भाव आज कैसे रहे। देखिए सरसों के अंदर इस सप्ताह की बात करें, क्योंकि आज शुक्रवार है और इन जो पिछले 5 दिन थे उनके अंदर साथियों एक अच्छा सुधार जो है देखने को मिला है। 200 से लेके 230-240 रुपए का जो है सुधार साथियों देखने को मिला है सरसों के अंदर, जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। सबसे बड़ी जो बात है साथियों वो ये रही कि सरसों की आवके जो थी वो एकदम से गिर के 4 लाख से लेके 5 लाख कट्टे के बीच में आ गई। उसका मैं आपको कारण बताता हूं, मेरे ख्याल से किसी और ने नहीं बताया होगा। देखिए कल रामनवमी थी, आज 31 तारीख थी, 31 मार्च, जो कि एक फाइनेंशियली अपने वे से देखें तो बहुत बड़ी तारीख होती है, सबने जो पिछले खाते हैं वो चेंज करने होते हैं, सब कुछ होता है, तो उस वजह से, और 2 दिन पहले बरसात हो रही थी, उस वजह से आपकी कम हुई, बहुत बड़ी जो है एक कमजोरी आई आपको के अंदर, इसलिए साथियों जो है आपके कम हुई है। ये जो तेजी बनी है, ये जो सुधार बना है, ये स्थायी नहीं है साथियों, क्योंकि अगर 11 लाख वाली या 12 लाख वाली आपके 3 लाख 4 लाख आके रुकी है तो इसका मतलब ये है साथियों कि कोई ये स्थायी तेजी नहीं है। हालांकि 200 रुपए का सुधार मान के चलो आप हुआ है इस सप्ताह के अंदर, खैर वो बात अलग है साथियों। आज अमूमन मंडियों के अंदर, अमूमन जो मंडियां हैं उनके अंदर भाव जो है वो 4800 से लेके 5500 रुपए तक रहे हैं। काफी मंडियों के अंदर 5500 के जो भाव हैं वो रहे हैं साथियों, जो 42 लैब थी, 41 लैब थी, 41 और 42 लैब के जो है भाव रहे हैं साथियों। ओवरऑल बात करें तो सरसों में अच्छा माहौल, अच्छी एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन निवेदन ये करूंगा साथियों कि ये रिकवरी किस चीज की है, जो आपके 13 लाख कट्टे से घटकर जो है लगभग 4 लाख कट्टे के ऊपर आ गई है, उसकी वजह से ये जो है एक रिकवरी साथियों बनी है। जो जो भाई बर्थडे की, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, भाई धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल पोस्ट भी डालूंगा साथियों, वहां भी आशीर्वाद देना, आशीर्वाद यही देना है कि साफ सुच्ची अच्छी नीयत से किसानी की सेवा करता रहूं और भगवान साथियों उम्र दे, उम्र देगा तो लड़ता मैं रहूंगा, ये आपके साथ वादा है मेरा साथियों। धन्यवाद आप सबका, जो जो भाई भाई आशीर्वाद दे रहे हो, शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको। तो बात करें साथियों सरसों के भाव की, ओवरऑल मंडियों में जो भाव 4200 से लेके 5200 थे वो अब 4700 से लेके 4800 से लेके लगभग 5500 के घरों में साथियों पहुंच गए हैं।
जैसा कि आपको बताया कि मैं एक अध्यक्ष और चेयरमैन होने के नाते साथियों काफी बिजी था पिछले दो दिनों में, और एक दो दिन और बिजी हूं उसके बाद फ्री हूं, उसके बाद कंप्लीट आपको एक एक मंडी का जो है भाव साथियों बताऊंगा। बात करें साथियों कॉटन की, कॉटन में भी आज एक पॉजिटिविटी दिखी, थोड़ा सा एक माहौल अच्छा दिखा। बड़ी तेजी तो मैंने आपको बड़ा ही विनम्र निवेदन किया था साथियों इस सप्ताह के जब ये संडे को रविवार को कि बड़ी तेजी कॉटन में इस सप्ताह दिखाई नहीं देगी, सुधार बना है आज, हो सकता है कल थोड़ा सा और सुधार बने, तो भाई उम्मीद है एक कि शायद जो है एक सुधार और बन जाए, लेकिन बड़ा सुधार कॉटन में दिखाई अभी नहीं दे रहा है इस सप्ताह खास करके बात करें। लेकिन अगले सप्ताह में कैसे रहेगा उसकी चर्चा जो है अपने साथियों अगले रविवार को करेंगे। लेकिन आज की बात करें, बाजार पॉजिटिव, एक अच्छा इंटेंट बाजार के अंदर आवकें कम हुई है। ये जो सारे सुधार सरसों में, ग्वार में, कॉटन में बने हैं, सबसे बड़ा उसका कारण ये साथियों, पहले छुट्टी थी 28 की, 29 को भी छुट्टी थी, 29 को बरसात हुई साथियों, 30 को फिर अपने रामनवमी थी, बड़ा त्यौहार है हमारे देश का, और 31 को आज क्लोजर रहता है। लगभग सारी मंडियां जो है बंद दिखाई जाती हैं, हालांकि काफी मंडियों में सौदे होते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्री तौर के ऊपर इसको बंद दिखाया जाता है। तो इन सब की फसलों की आवकें जो है कॉटन की, सरसों की, जौ की, है ना, जितनी भी फसलें हमारी ग्वार की, सबकी जो है आवकें एक रुकी है आज, बड़ी गिरावट आई है आवकों के अंदर, तो थोड़ा सा सुधार उसके चलते साथियों बना है। तो भाई धन्यवाद जो भाई जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, कल है जन्मदिन साथियों, बधाई आपको कल देनी है, कल आपको एक अच्छी सी फार्मिंग वाली खेत की फोटो पोस्ट करूंगा साथियों, वहां पर ज्यादा मजा आएगा, है ना, कि आप सारे साथी, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो यार, सारे भाई, आप लोग सारे भाई हो, सारे बहुत प्यार करते हो, सब लोग बहुत आशीर्वाद देते हो, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद साथियों। बात करें साथियों कॉटन के भाव की, तो आज भी 7,200 से लेके 8,150 रुपए तक काफी मंडियों के अंदर जो है आज कॉटन साथियों बिका है। बात करें साथियों ग्वार की, तो आज ग्वार के अंदर भी लगभग 30 से लेके 40 रुपए का सुधार हुआ, ग्वार गम के अंदर भी आज थोड़ा सा साथियों सुधार बना है, लेकिन बड़ी तेजी ना ग्वार के अंदर, जैसा कि आपको निवेदन किया था इस रविवार को साथियों पिछले को कि शायद कुछ हो सकता है, और वो हुआ। इस सप्ताह ग्वार के अंदर दो बार तेजी का सर्किट लगा, लेकिन जो हाजिर की मंडियां हैं, जो हमारी दान मंडियां हैं, वहां पर कोई बहुत ज्यादा साथियों फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी आज एक सुधार बना है, हो सकता है कि कल थोड़ा सा और सुधार आपको देखने को मिल जाए, लेकिन बड़ा सुधार ग्वार का इस सप्ताह में साथियों नहीं है। बात करें गेहूं की, तो आज भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं साथियों, जो जौ है हमारे, जौ के अंदर तो भी बिल्कुल ही सुधार इस सप्ताह नहीं हुआ साथियों, जौ को तो एक बहाना लगाया जा रहा है बाजारों के अंदर, उसको रुलाया जा रहा है साथियों, आज कोई साथी जौ लेके जा रहा है तो 5-5 दिन उसके जौ को जो है सुखाया जा रहा है, उसके बाद उसकी बोली करके लगभग 1600-1700-1800 लास्ट जो है 1850 रुपए तक जो है जौ साथियों बिक रहा है, तो जौ की भी बिक्री भी बहुत ज्यादा तेज साथियों नहीं है। तो साथियों जो टाइट महीना था, बहुत ही टाइट पैसे की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, एक चीज और बताऊं आपको मैं, किसी भी जो हमारे भाई हैं, हम लोग देखिए पारिवारिक लोग हैं, हम लोग मान लीजिए किसी को पैसे दिए हैं, तो अगर उसको फोन करते कि भाई साहब पैसे दे देते, अगला बोलता भाई जी मार चल रहा है, भाई मार चल रहा है, फिर देवांगे, इसका चाहे कोई आम आदमी मेरे कैसा हो जिसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्च का बहाना बहुत बड़ा होता साथियों, वो मार्च आज साथियों निकल गया है, और अप्रैल के अंदर लगता है साथियों कि एक अच्छा माहौल जो है बनेगा फसलों के भाव के अंदर, बनना भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो है कर मुक्त जो है तेल बाहर से आयातित उसको बंद किया है, उसका एक फर्क पड़ सकता है साथियों, काफी कुछ हो सकता है अगले साल के अंदर साथियों, तो मिलेंगे अगले महीने अंदर साथियों, तो मिलेंगे साथियों अगले महीने के अंदर जरूर साथियों। आप सबने जन्मदिन का बधाई दिया साथियों, लेकिन जन्मदिन मेरा कल है, तो कल भी जरूर आशीर्वाद देना साथियों, मिलेंगे साथियों कल 8:30 बजे शाम को, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।